जो बच्चे ओलंपिक में मेडल जीते हैं और आने वाले ओलंपिक में मेडल जीतना चाहते हैं, सड़कों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सड़कों पे सोने को मजबूर हैं, अगर हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं तो उसकी विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जो इतने स्टार एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्तर पर हिंदुस्तान का नाम कमाया हो और आज वो सड़कों पे रो रही है। गुलाबी नगरी में पहलवानों की लड़ाई की गूंज, कृष्णा पूनिया का खिलाड़ियों के साथ प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से गांधी सर्किल तक निकाला पैदल मार्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान सड़कों पर है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है, तो वहीं अब उनके समर्थन में खिलाड़ियों के साथ ही छात्र भी खुलकर नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता और राजस्थान में कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया ने गुरुवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में गांधी सर्किल पर धरने पर बैठने से पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जयपुर में मार्च निकाला। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने मांग की है कि ब्रजभूषण को यौन उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो वही कृष्णा पूनिया ने भी आरोप लगाया कि इस मामले का जानबूझकर राजनीतिकरण किया जा रहा है। कोई बेटी ऐसे ही इतने बड़े आरोप नहीं लगा सकती। कृष्णा पूनिया ने कहा कि ओलंपिक जैसे खेलों में पदक जीतने वाली पहलवान आज सड़कों पर खून के आंसू रो रही है और इस न्याय की लड़ाई में आखिर राजस्थान का हर खिलाड़ी उनके साथ खड़ा है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि नवतेज टीवी भी मौके पर पहुंचा और वहां मौजूद कृष्णा पूनिया और तमाम खिलाड़ियों से जानी उनके मन की बात। राजधानी दिल्ली में हमारे देश के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान आज धरने पर बैठे हैं और पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि ओलंपिक संघ के जो ब्रजभूषण हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें उनके पद से हटाया जाए क्योंकि उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है हमारे देश के पहलवानों ने। और आज इन पहलवानों के समर्थन में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी युवा पहलवान सड़कों पर उतरे हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना चाहते हैं वो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हो रहा है वो गलत हुआ है, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। मैं एक लड़की हूँ तो इस नाते मैं उनका समर्थन दे रही हूँ। हम यहाँ पे कृष्णा पूनिया जी के साथ पैदल मार्च निकाल रहे हैं जयपुर में। अच्छा नहीं हुआ है जो हुआ है। जो लड़कियाँ करती है, मतलब अगर कुछ अच्छा करती है तो उनको सर पर उठा लिया जाता है, मेडल आती है, इतना मेहनत करती है, पर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं यही चाहती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी हो ब्रजभूषण सिंह की और उनको पद से हटाया जाए। ये हमारे लिए हानिकारक है, बहुत ऐसे लोग जो ऐसा कुछ करते हैं और हमारे देश को ख़राब करते हैं। कुछ बात हुई है जब भी हम यहाँ पे आए हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कास्ट इशू नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो सही हो, हमारे लिए भी फ़ायदा है उसमें, गर्ल्स के लिए। मैं एक लड़की होने के नाते यहाँ पे समर्थन दे रही हूँ कृष्णा पूनिया जी के साथ, पैदल मार्च में आई हूँ। मैं हर खिलाड़ी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि सरकार उसके साथ हमेशा साथ रहे और खिलाड़ी जब संघर्ष करे तो सरकार उससे कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन आज कुछ देश में कुछ और ही हो रहा है। जंतर मंतर पर वो भूखे प्यासे बैठे हैं, वो उनको दिख रहा नहीं है क्या? वो बैठे हुए हैं, वो कुंडी लगा के आज अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। 2024 में अंदर ओलंपिक आ रहे हैं, ऐसे लाएंगे मेडल खिलाड़ी? देखिए जंतर मंतर पर जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, हमारी बहन बेटियां विनेश फोगाट है, साक्षी ओलंपिक मेडलिस्ट है, ये बहन बेटियां आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही हैं और अपने न्याय की मांग कर रही हैं। ब्रजभूषण सिंह जो रेसलिंग बोर्ड का अध्यक्ष है और वो काफी सालों से 12-13 साल से लड़कियों का शोषण करता आ रहा है और वो केंद्र की जो सरकार है, अहंकारी सरकार है, उसके विरोध में वो लड़ रही है। कल भी आपने देखा, कल शाम को बारिश हुई है और उन खिलाड़ियों के लिए जो किचड़ में सोने की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों ने बेडों की व्यवस्था की कहीं से और फिर उन लोगों को अंदर बेड नहीं लाने दिए जाए। तो अमित शाह की जो केंद्र की सरकार है वो दिल्ली की पुलिस पे ऐसे अहंकारी होकर बैठी है और दिल्ली पुलिस को आगे करती है। जब जब लड़ाइयाँ होती है दिल्ली पुलिस को आगे कर देती है। तो मैं यही कहूंगी कि आज इस केंद्र की सरकार को, अहंकारी सरकार को हम ये कहते हैं, हमेशा वो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने यौन उत्पीड़न करके ये रूल बना लिया कि खेल में आगे बढ़ाओ बेटी को यौन उत्पीड़न करके। हम उस केंद्र की सरकार के विरोध में आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे राजस्थान प्रदेश का एक महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी आज हमारे साथ में है और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक उन बेटियों और बहनों को न्याय नहीं मिल जाता।
पहल विरोध कर रहे हैं उन पहलवानों के ऊपर लाठियां भी बरसाई गई हैं। ये हमारे देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज संविधान में बहन और बेटियों के साथ लड़ाई हो रही है और उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है, तो ये एक लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र की सरकार इतनी तानाशाही होगी, उनके षड्यंत्र इतने आगे हो गए कि उन खिलाड़ी को दबाने का पूरा काम किया जा रहा है, जैसे भी उनका प्रोटेस्ट उठ जाए। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे देश के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान आज धरने पर बैठे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप यहां पर लगा है। हमारे साथ में कृष्णा पूनिया जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हम कहना चाहेंगे कि जब हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है और इस देश की स्टार आइकॉन एथलीट्स जंतर मंतर पर देश की राजधानी में सड़कों पर रो रही है, तो बृजभूषण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, संघ से उसका निलंबित हो जाना चाहिए था और खिलाड़ियों के साथ ये महसूस होना चाहिए था कि उनको न्याय मिलेगा, सरकार उनके साथ खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बड़े दुख की बात है और मुझे तो आने वाले भविष्य पे भी संकट नज़र आ रहा है। जब एथलीट मेडल जीत के आता है तो उसके जैसा हमारा देशवासी चाहता है कि उनके बच्चे भी वैसे बने, और आज जब हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कौन अपनी बेटियों को खेलों में भेजेगा, क्या करेंगे? तो तुरंत प्रभाव से बृजभूषण को गिरफ्तार करके सख्त से सजा, सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर वो दोषी हैं तो। इस धरने प्रदर्शन को जातीय समीकरणों में बांटा जा रहा है, उस बारे में क्या कहना? इस देश पे, देश की सीमा पे लड़ने वाला जवान और इस देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी को जातियों में मत बांटो। वो विदेशी धरती पे जाकर इस देश का राष्ट्रगान बजवाता है और इस देश का जवान है वो देश की सुरक्षा करता है और इस देश का किसान है वो इस देश का पेट पालता है। ये तीन ऐसी कौमें हैं जिनको हमें जातियों में नहीं बांटना चाहिए। और मुझे हंसी आती है जब बेटियां मेडल जीत के आती हैं तो हमारा देश का मेडल होता है, और जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं तो एक जाति विशेष में बांध के उनके प्रोटेस्ट को कमज़ोर करना दिखाता है कि कितना दोहरापन हम कितने दोहरेपन में हम लोग जी रहे हैं। ये थी हमारे साथ कृष्णा पूनिया जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती ये देश की उन बेटियों के साथ है, उन पहलवानों के साथ है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।